नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों ओर एक लगभग एक इंच का बॉर्डर बना हुआ है और मैं फिर से आज आपके लिए एक पिक्चर बनाने जा रही हूँ, एक पोस्टर बनाने जा रही हूँ। और हमारे इस पोस्टर का विषय है माँ सरस्वती। जैसा कि हम सब जानते हैं सरस्वती पूजा आने वाली है, तो मुझे लगा कि जो क्रिएटिव मेरे फ्रेंड्स हैं वो सरस्वती माता की फ़ोटो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे और अगर मैं इस ढंग का कोई वीडियो बना के उनके साथ शेयर करती हूँ तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बस मन में यही बात रख के मैंने ये पिक्चर बनाई है। तो इसमें जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और आप में से जो भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके इन फ़ोटोज़ को बनाना चाहें वो लिंक की हेल्प से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं, जैसे कि ब्रश है, तो उसकी लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। हाँ, उसकी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूँगी कि इसमें मैं दो ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एक 4 नंबर का है जो डोम्स का ब्रश है और एक 2 नंबर का ब्रश है जिससे मैं ये लाइनिंग के सारे वर्क कम्प्लीट करूँगी। फिलिंग के वर्क में या कहीं थोड़ी थिक लाइनिंग करनी हो तो उसके लिए मैं 4 नंबर के ब्रश का यूज़ करूँगी। इसमें मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और ये जो पिक्चर है मैं उसे कैनवास पे बना रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि भगवती का चेहरा बन चुका है और अब मैं उनके गले में ऑर्नामेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। हमने उनका दाहिना हाथ नीचे की ओर बनाया है जिसे हम वीणा बजाते हुए बनाएंगे और उस साइड के कंधे को, बाएँ हाथ के कंधे को मैंने अधूरा छोड़ा था क्योंकि हमें वहाँ पर वीणा की जो लाइन थी वो खींचनी थी, तो इसीलिए उसका अंदाज़ा ना आए और फिर गलती हो जाए, तो इसीलिए उसे हमने अधूरा रखा है। और जब हमारी वीणा कंप्लीट हो गई है तो अब हमें पता लग जाएगा कि हमें हाथ कहाँ से बनाना है और अब हम उनका बायां हाथ बनाएंगे जिससे वो ऊपर वीणा को थामे हुए हैं। फ्रेंड्स, कैनवास में जो स्केचिंग है उसे आप बहुत डीप नहीं कर सकते क्योंकि अगर स्केचिंग में कुछ भी गलती होती है तो इरेज नहीं होता और होने पर कुछ काले दाग छोड़ जाता है, तो इसीलिए बहुत ही लाइट सी स्केचिंग करें। मैंने भी बहुत ही लाइट सी स्केचिंग की है जो बहुत मुश्किल से दिखाई दे पा रही है, लेकिन स्केचिंग मैंने भी की है, आप भी करें। और जब आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आपको लगे आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो डायरेक्ट ज़रूर बनाएँ, ये एक बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि ये फ्री हैंड पेंटिंग है और इसे जितना फ्री हैंडेड बनाया जाए उतना अच्छा होता है। तो अब हमने उनके पीछे के 2 हाथ बनाए हैं, चतुर्भुजी होती हैं भगवती, तो हमने जो 2 भुजाएं पीछे बनाई हैं उसमें एक हमने बाई भुजा में उन्हें पुस्तक पकड़ाई है और दाहिनी भुजा जो ऊपर की ओर है उसमें हम उन्हें माला पकड़ाते हैं। तो ये हाथ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो हम बनाएंगे वो है इनके कमर के नीचे का बॉडी पार्ट, अब हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें हमने ऑर्नामेंट्स बनाए हैं, मैं एक माला ड्रॉ करूँगी और फिर बचे हुए पोर्शन में हम आंचल का डिज़ाइन डालेंगे। आंचल के लिए मैंने लाइनिंग की है और मैं इनके दाहिने पैर को मुड़ा हुआ बना रही हूँ जिसे इन्होंने मोड़ कर बाएँ पैर की ओर पर रखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार ये पैर मुड़ा हुआ बनेगा। यहाँ पे इनका पैर बनने के बाद बाएं पैर को हम नीचे की ओर दिखाएंगे और हम इन्हें हंस पर बैठा हुआ दिखाने वाले हैं, यानी इनका आसन जो हम बनाएंगे वो हम हंस पर बनाएंगे। तो पीछे जो आपको जगह दिख रही है उसमें जितना ही दिख सकेगा हम हंस की जो है बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। हमेशा की तरह जैसा मैं इसे पहले भी दुर्गा जी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो दुर्गा जी में जैसे हम उनका पैर मोड़ कर बैठा हुआ पोस्चर बनाते हैं, सेम टू सेम इसमें भी हम वैसे ही बनाते हैं। बस इसमें हम करते ये हैं कि हम सरस्वती जी को बनाते हैं तो वीणा धारिणी है वो, तो इसीलिए हम इनके हाथ में वीणा देते हैं। अब मैं उनके बालों को ड्रॉ कर रही हूँ और फिर बालों के बाहर से हम एक आंचल की आउटलाइनिंग करेंगे, तो आंचल भी बनाएंगे हम जो कि सर से नीचे की ओर आता हुआ हम ड्रॉ करेंगे, चुंदरी कह सकते हैं। आंचल तो हम बॉडी पे बना चुके हैं,
इसे हम चुंदरी कहेंगे जो हम उनके सर से नीचे की ओर लटकी हुई बनाते हैं। इसे विद बॉर्डर बनाना है, एक पतला सा भी बॉर्डर कॉर्नर पर ज़रूर बनाएं, और जब भी दुपट्टा बनाएं तो साज ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब हम साज बनाते हैं तो जो फिगर होता है उसमें जो हम ड्रेस बनाते हैं उसकी एक तरीके से थिकनेस और रिचनेस दोनों जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने हंस बना दिया है, हंस का हमने चेहरा बनाया है दाईं ओर और उसके पीछे का जो बॉडी पोर्शन है उसे बनाया है बाईं ओर। तो हमें गला, नीचे का कुछ बॉडी पार्ट और पूंछ का एरिया ही केवल दिखाई दे रहा है। और अब जो है मैं कमरबंद ड्रॉ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ अगर बना रहे हैं तो आप जानते हैं इसे हम क्रमबद्ध तरीके से हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। और अब हंस को थोड़ा डेकोरेट करने के बाद, जैसा कि मैंने कहा था कि चुंदरी में साज ज़रूर बनाएं, तो ये जो अभी मैंने सेमी सर्कल्स बनाए हैं इन्हें मिथिला पेंटिंग में साज कहते हैं। अब दुपट्टे का कुछ पोर्शन हम इधर भी दिखा रहे हैं। हाथों में चूड़ियों के बाद हम जो भी पोर्शन बचा है वहाँ पर भी हम ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे कंप्लीट होने के बाद। फ्रेंड्स, अपने ज़्यादातर पोस्टर्स की तरह मैं इसमें भी स्किन कलर नहीं भरूंगी, तो हम कपड़ों में कलर करेंगे, बैकग्राउंड को कलर करेंगे, और उसके बाद जो है आप इस फिगर को कंप्लीट होने के बाद देखेंगे और आप ही बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। डिज़ाइनिंग का वर्क करके अब मैं चेहरा ड्रॉ कर रही हूँ। चेहरे में सबसे पहले हमने भवें बनाई है, नाक बनाई है, और अब हम उनकी आंखें बना रहे हैं। जब भी हम फ्रंट फेस बनाते हैं तो हम दोनों साइड की आंखें बनाते हैं, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, दोनों आंखें सेम बने, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये अब हमारा जो चेहरा है हमारी सरस्वती माँ का, वो तैयार हो चुका है। अभी जो सर्कल आप मुझे ड्रॉ करते हुए देख रहे हैं ये हम तेज बना रहे हैं। इसमें भी हम डिजाइनिंग का वर्क करेंगे। एक मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ जिसमें हम बॉर्डर बनाएंगे और फिर अंदर हम येलो कलर की फिलिंग करेंगे और बाहर मिक्स्ड रेड एंड ऑरेंज का वर्क करेंगे, जो आप होते वक्त देख सकते हैं। चूड़ियों में अब थोड़ी सजावट का वर्क करने के बाद हम हंस में डिज़ाइनिंग करेंगे, और भगवती की जो साड़ी है उसमें भी हम छोटी छोटी बूटियाँ बनाएंगे। अभी मैं मोती पैटर्न से दुपट्टे का बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जो गलती मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी करते होंगे और शुरुआत में ज़्यादातर कलाकार करते हैं, आप जब भी किसी सब्जेक्ट को अपने ड्राइंग बुक पे या किसी भी चीज़ पर बना रहे हों तो आपका जो भी बेस है उसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मोर देन 70-80% एरिया कवर करे और वही फोकस में रहे। कई बार क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका साइज़ हम बहुत छोटा बना लेते हैं, और उसके बाद हमें टेंशन होती है कि हम बैकग्राउंड में क्या बनाएं, बैकग्राउंड को फिल कैसे करें, और जब हम ये सब कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड के पीछे दब जाता है, यानी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ही सामने हो जाता है और सब्जेक्ट जो है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। तो कभी भी जब आप कुछ भी बनाएं तो कोशिश रखें कि जो मेन फिगर है आपका वो फोकस में आए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करे, जैसा कि आप इस पोस्टर में देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन में हम साड़ी में छोटे छोटे फूल की बुटियाँ बनाएंगे, तो अभी हमने उसे कंप्लीट किया है। और अभी आप मुझे निब यूज़ करते हुए देख रहे हैं, कुछ जो पतला वर्क है उसे हम निब से कर रहे हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने एक बार मुझे मैसेज करके पूछा था कि क्या कैनवास पे निब चलता है, तो मैंने इससे पहले क्योंकि कैनवास पे निब चला के आपको नहीं दिखाया था, इसीलिए मैंने उस बारे में उन्हें कुछ ना बताकर केवल ये बताया था कि मैंने केवल ब्रश यूज़ किया है। पर यस, अगर आप कैनवास पे निब से बनाना चाहते हैं तो आप थिक निब अगर आपके पास हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, कैनवास पे निब से पेंटिंग की जा सकती है।
खासकर जब आप कचरी का वर्क कर रहे हों तो उसके लिए निब बेस्ट होगी, और कहीं ना कहीं ये कैनवास की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि कैनवास जो है उसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ ना हो तो ही निब बहुत अच्छे से काम करेगा। और अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने फिलिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले जो मैंने कलर स्टार्ट किया है करना वो है रेड। रेड से पहले मैं पूरे बॉर्डर में मैंने कलियां बनाई हैं अंदर और बाहर दोनों ओर। तो बाहर की जो कलियां हैं मैंने उनकी रेड कलर से आउटलाइनिंग की है, और अंदर की कलियों को मैं ऑरेंज कलर से लाइन करूंगी। तो बाहर ये रेड कलर यूज़ करने के बाद अब मैं कपड़ों में जहाँ भी मुझे रेड कलर से वर्क करना है वहाँ पे मैं ये वर्क कंप्लीट कर लूँगी। मैं सरस्वती माँ की जो ड्रेस है उसमें ब्लाउज़ रेड कलर का बना रही हूँ, और साड़ी के बॉर्डर में भी मैं रेड कलर से फिलिंग का वर्क करूँगी। और साड़ी जो मैं इसमें कलर करूँगी वो होगी येलो। तो येलो कलर से मैं सरस्वती माँ की साड़ी में फिलिंग करूँगी। तो अभी तो मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड का वर्क जहाँ भी मुझे करना है वो कंप्लीट करने के बाद ही मैं इसमें दूसरे कलर का यूज़ स्टार्ट करूँगी। दुपट्टे में मैंने बाहर से एक थिक लाइनिंग रेड कलर की करने के बाद अंदर डबल कचनी की है, और डबल कचनी का वर्क भी मैंने निब की मदद से ही किया है। भगवती के हाथों में पीछे और सामने की ओर हम रेड कलर लगाते हैं, और पैरों में भी हम रेड कलर लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की पहचान भी है और शुभता की निशानी भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे कल्चर में है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने हाथ और पैरों में कलर लगाते हैं। तो अभी मैं रेड कलर का वर्क जो है वो हमारा लगभग कंप्लीट होने को है। फ्रेंड्स, अब येलो कलर से मैं पूरी फिलिंग करूंगी इनकी साड़ी में। और मैं आपको इस येलो का शेड बता दूं तो ये गोल्डन येलो है जिसे मैं सरस्वती माँ की साड़ी को कलर करने वाली हूँ। इसी का यूज़ मैं इस पोस्टर में करूँगी, गोल्डन येलो का ही शेड हम केवल इसमें यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप में से मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक इस परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो जानकारी है वो मिलती रहे, और आपके जो भी फ्रेंड्स इस कला को सीखने में इंटरेस्टेड हों उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ऑरेंज कलर से हमने जैसे कि तेज का आपने देखा कि मैंने बॉर्डर में फिलिंग की है, और जो एक और रेड से कचनी करने के बाद एक पेज का जो कॉलम है हमने बचा रखा है उसमें भी हम ऑरेंज से ही वर्क करेंगे। तो ऑरेंज का जो भी वर्क अब हमारा इसमें है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने दोनों साइड कलियां ड्रॉ की है, तो बीच का जो ये शेप है इसे हम लीफ की तरह जो है वो ड्रॉ किया है हमने। और इसमें मैं जो ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन कलर है सैप ग्रीन, और इसमें सैप ग्रीन ही यूज़ करने वाली हूँ मैं। जहाँ जहाँ मुझे ग्रीन कलर यूज़ करना है वहाँ मैंने इसमें सैप ग्रीन का ही यूज़ करना है। तो आपने देखा कि बॉर्डर अब हमारा कम्प्लीट हो चुका है, और अब मैं भगवती के कमरबंद में जो है इस कलर को यूज़ कर रही हूँ। और अगर हमें कहीं यूज़ करना है तो अभी ही करके और उसके बाद अब हम इनके वीणा को कलर करेंगे। और वीणा में जब कलर कंप्लीट होगा तो फिगर में किया जाने वाला, सरस्वती माँ के फिगर में किया जाने वाला हमारा कलर का वर्क लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, इसे हम नॉर्मली लाइट ब्राउन कहते हैं, और बॉटल पे शेड का नाम लिखा होता है बर्नट सियना। तो ये शेड अभी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, और वीणा की आउटलाइनिंग में इस कलर के ड्राई होने के बाद हम
थोड़ा सा डीप ब्राउन यूज़ करेंगे और हमारे जो वीना का कलर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हमें जो वर्क करना है वो करना है हंस पे और बैकग्राउंड पे। तो हंस में मैं लाइट पिंक या आप इसे बेबी पिंक भी कह सकते हैं कलर कर रही हूँ और इसे मैंने बनाया है वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन से। इसमें 98% वाइट कलर है और केवल 2% रेड कलर है, यानी आप 2 ड्रॉप वाइट कलर के लें और उसमें केवल ब्रश की निब को रेड कलर में डिप करके और उसे मिक्स करें तो ये कलर बन जाएगा। और अभी जो मैं आप देख रहे हैं मुझे, मैं ब्लू कलर फिल कर रही हूँ, ये अल्ट्रा मरीन ब्लू है जिसे कि मैं पूरे बैकग्राउंड को फिल करूँगी। और फिलिंग के बाद जब ये कलर ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें नीचे पानी की कुटनी, पानी का शेड देने के लिए या पानी की डिज़ाइन बनाने के लिए हम कुटनी करते हैं जो अभी आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। इसमें मैं एक छोटी सी लाइन और फिर एक डॉट इस टाइप का पैटर्न बना के नीचे के पूरे पोर्शन को जो है फिलअप करूँगी। इसे हम पानी की तरह दर्शा रहे हैं और ऊपर मैं कॉर्नर्स पे आप देखेंगे स्पाइरल टाइप के शेप्स ड्रॉ करूँगी। ये पैटर्न हम नॉर्मली मिथिला पेंटिंग में बादलों को दर्शाने के लिए बनाते हैं। तो नीचे हमने पानी बनाया है और ऊपर आकाश बनाया है। पानी का जो पैटर्न मैंने बनाया था वो अब ड्राई हो चुका है और अब मैं उसमें कहीं कहीं लहरों का पैटर्न भी बनाऊंगी उसके ड्राई हो जाने के बाद। तो अभी आप उसे मुझे बनाते हुए देख रहे हैं। मैंने ब्लैक कलर से इसमें जो मार्जिन रखा था उसे फिल किया है और अभी आपको मैंने जैसा बताया था कि मैं थोड़ा सा वेव्स का जो है पैटर्न वाइट कलर से बनाऊंगी तो मैंने वो बनाया है और वाइट कलर की डॉट्स डालकर कुछ डिज़ाइनिंग का वर्क मैंने कपड़ों पर भी किया है। ब्लैक कलर का थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क हंस पर करने के बाद हमारा पोस्टर कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आई होप आप इसे भी पसंद करेंगे, बनाएंगे और अपने जो भी राय या आपकी जो भी विचार हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले पोस्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेंटिंग बनाते रहें। बाय।